हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज है मेरा डेली व्लॉगिंग का सेकंड डे। आई एम तो सुपर एक्साइटेड, बट बाहर सूरज देवता नहीं दिखाई दे रहे हैं, पूरा क्लाउडी हो रखा है और यहाँ पे कबीर भी उठ गया है। तो आजकल उसको होता है कि मैं खुद से ब्रश करूँ और मैं भी करने देती हूँ, बट एंड में मैं भी थोड़ा सा उसको कर देती हूँ, तो बट सीख जाएगा तो ज़्यादा बेटर है अभी। और यहाँ बन रही है चाय, लौंग इलायची डल चुकी है और उबाल भी आ गया है। बच गई यार, वरना पूरा ख़राब हो जाता। और ये रहा हमारा लंच, सब्जी और पराठा। एंड देन दिन की शुरुआत करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो चलिए, आपको आवाज आ रही होगी ना, क्योंकि विक्रांत आज घर से काम कर रहे हैं और उनकी मीटिंग चल रही है, तो इसलिए धीरे धीरे बात करते हैं। तो बस अभी मैं थोड़ा लेट हो गई आज बाथ लेने में, तो अभी बस बाथ लेके निकली हूँ, छोटी मोटी बना के। सुबह का नाश्ता, दोपहर का लंच, सारी चीजें हो चुकी है। और शूट इसलिए नहीं कर पाई क्योंकि मेरे फोन में मेमोरी ही नहीं थी, स्पेस की दिक्कत आ रही है। अगर ऑब्वियसली अगर डेली व्लॉग शुरू करने हैं तो स्पेस भी काफी सारा से चाहिए। तो आजकल मेरी विक्रांत की ना यही वार्तालाप डिस्कशन चल रही है कि हम क्या कर सकते हैं। वैसे तो मेरे पास हार्ड डिस्क है, बट वो पुरानी है और मैं जो शूट करती हूँ वो करती हूँ आईफोन से, तो वो डेटा उसमें जा नहीं रहा है, समथिंग समथिंग प्रोसेस थोड़ा लंबा है। तो बट कोई नहीं, करते हैं, कुछ ना कुछ जुगाड़ हम लोग ज़रूर करेंगे। तो बस अभी थोड़े बहुत काम रहते हैं मेरे, एक बार मैं वैक्यूम कर चुकी हूँ घर का और एक बार और करना है, क्योंकि भाई साहब मैं पूरा जो है ड्राइंग रूम फैला रखा है। साथ में मशीन लगा दी थी मैंने, तो कपड़े वगैरह सब धुल चुके हैं, तो बस अब उनको सुखाना है। यहाँ मैं हैंगर में वो सब काम करती हूँ। तो चलिए कोई नहीं, दिन आगे बढ़ाते हैं। आधा दिन निकल चुका है, आधा दिन बचा है, आगे आगे करते हैं, देखते हैं क्या क्या आज के दिन में होने वाला है। एक्चुअली मैंने ना अभी 6 दिन पहले शूज धो के रखे थे, तो अब वो सूख गए हैं, तो अब उनको अपनी जगह पे रखती हूँ। मैं फिर अपने शूज लेकर आऊँ, तो ये इसके शूज वगैरह मैंने धो के रखे थे, अपने भी शूज। तो हाँ यार, अब ये सूख गए हैं, तो इनको चलो रखो आप वहाँ पे, अपना शू रैक में जाके रखो फटाफट से। तो यार यहाँ पे ना जल्दी सूख जाते हैं, मतलब लोगों को लगता है कि ठंड है, धूप नहीं निकलती, कपड़े नहीं सूखते होंगे। कपड़े 2 दिन में इजिली आराम से सूख जाते हैं, लेकिन हाँ शूज वगैरह टाइम लेते हैं सूखने में, कपड़े सूख जाते हैं। क्योंकि यहाँ का जो वेदर है ना, वो इस तरीके का है कि वो मॉइस्चर खींचता है, मतलब इसलिए ड्राइनेस भी काफी ज्यादा यहाँ को लोगों को जो है फेस करनी पड़ती है लोगों को। तो ये सब चीजें हैं, बट हाँ कपड़े आसानी से सूख जाते हैं, 2 दिन में सूख जाते हैं इसलिए, तो ऐसी कोई प्रॉब्लम होती नहीं है। एक मिनट, मैं अपने शूज भी ले आती हूँ, मेरे शूज भी सूख गए हैं, स्टूल रख लेती हूँ ताकि मैं मशीन के एंगल में आ जाऊँ और फिर मैं इजिली कपड़े सुखा पाती हूँ। जुगाड़ जुगाड़ देती, दिस इज कॉल्ड जुगाड़। इसको सॉल्व करना है। लो क्या कोई बोल सकता है कल जैसा ये ड्राइंग रूम है आज वैसा ही है? हाँ, बिल्कुल भी नहीं, गद्दियाँ हटा दी हैं हमने बस। हाँ ये देख लो यार, क्या पूरा सोफा फैला रखा है इस लड़के ने। क्या बोल रहा है? बोलो बोलो। आटे की बोरी, आटे की बोरी, आटे की बोरी, आटे दी 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 बोरी ले लो भाई, आटे दी बोरी, आटे दी बोरी। अरे बाल सेट कर लेना, तो लड़के को ऐसे एकदम बाल तो इतने बड़े हो रहे हैं ना इसके, पूछो मत बस। यस अरे पता है, लेकिन आई एम सो सॉरी के तो दो कलर से उसमें वो कलर है, बट इट्स ओके। आपने माना कि मैंने गलत किया है, बट अभी आपने बहुत अच्छा किया है। इस बंदे को कौन सी बीमारी हुई है कि इसके कलर, ये वाला कलर इस पे लग गया है। फुटाई हो गए, कलर चढ़ गया उसको। पीछे पुलिस वाला था, पीछे पुलिस वाला था। ये पुलिस वाला है बेचारे, पुलिस वाले की क्या हालत की है तुमने? पुलिस वाले कब इतने अतरंगी कपड़े पहनते हैं? ये पुलिस वाले देखो। ओह अच्छा, ओले पुलिस वाले बैठे पीस। ओके, बट तब भी बहुत अच्छा किया। वेरी गुड। तो इसने मुझे बोला था कि अगर मैं अच्छा करूंगा तो फिर मुझे मैगी मिलेगी, मैगी मिलेगी, और अगर मैं अच्छा नहीं करूंगा तो आप खा लेना मैगी। मैं कहा मैं क्यों खाऊं मैगी, मुझे तो अच्छी नहीं लगती मैगी। ओ गिर जाएगा बीच में, बस बस जंप करो, आप जंप करो, हां जंप करो।
सुबह से इन लोगों की मस्ती के बाद मैंने बनाई मैगी, प्लेन मैगी। कबीर को बहुत ज़्यादा पसंद है प्लेन मैगी, विक्रांत भी खा लेते हैं और यहाँ विक्रांत पंजाब बात कर रहे हैं। एंड देन डिनर का टाइम हो जाता है डिनर प्रिपरेशन में, तो बस यहाँ मैं आटा गूंथ रही हूँ अपनी प्यारी सी मशीन में। यार मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है। और यहाँ पे मैंने दाल बनानी है आज, तो इसलिए इसको थोड़ा निकाला, धोया, धो के थोड़ा सा इसको भे के रखा। मूंग की दाल बनानी थी। और बस यहाँ पे प्लीज़ कुकर को इग्नोर करना, मैं काफ़ी बार बता चुकी हूँ। डिशवॉशर में बर्तन जो नॉनस्टिक वाले ना वो थोड़े ख़राब हो जाते हैं, तो मेरे कुकर की हालत उससे ख़राब हो गई है। तो बस यहाँ मैं दाल बना रही हूँ, थोड़ा सा उसमें नमक और हल्दी डाल के और थोड़ा सा रिफाइंड डाल के मैं इसको खुले में ही ऐसे उबलने दूंगी। ये एक्चुअली मेरी मदर इन लॉ की रेसिपी है इस वाली दाल के लिए, तो बस मैं इसको ऐसे ही उबलने दूंगी थोड़ी देर के लिए और ये गल जाएगी। एंड देन मैं उसमें छौका छक लगा कर इसको अच्छे से बना लूँगी। तो आज के डिनर में हमारा होने वाला है दाल एंड बस नॉर्मल खाना, दाल रोटी अचार पापड़ एंड ऑल, नॉर्मल सा खाना आज खाएंगे। एंड देन उसके बाद हम लोगों ने देखा पंचायत का सेकंड सीजन। मुझे टू पनिशमेंट मिलेंगी? क्यों उठाऊ? हेलो, हम लोग का खाना पीना हो गया है, डिनर वगैरह सब कुछ हो चुका है, लेकिन आप सोच रहे होंगे ये डिनर के बाद जा कहाँ रहे हैं। तो हम लोग जा रहे हैं नीचे एक ऐसी छोटी सी वॉक करने के लिए। मौसम ठीक है, टेम्परेचर ठीक बता रहा है अभी, 8-10 degrees है। तो जाते हैं नीचे और थोड़ी एक वॉक कर आते हैं खाने के बाद। थोड़ा थोड़ा वो कहते ना नए साल में नई नई चीजें शुरू करनी चाहिए हमें, है ना? देखते हैं कितने दिन चलती है, देखते हैं कितने दिन चलती है। ट्रू, आज चलते हैं वॉक पे, फिर देखते हैं कितने दिन तक वॉक कर पाते हैं। बट ये यार जाने के लिए ना बहुत सारे कपड़े पहनने पड़ते हैं, सर्दियों में दिक्कत है। बट हमारा तो एक एक जैकेट से चल जाता है, मोटी मोटी जैकेटें चल जाता है, लेकिन इसको इतना सारे कपड़े पहनाने पड़ते ना, तो कोई नहीं, वो कहते ना कुछ पाना है तो करना पड़ेगा। चलो चलते नीचे, लेट्स गो। सो आ गए हम वॉक पे, बहुत ज्यादा ठंडी हवा चल रही है, एकदम ठंडी हवा चल रही है, इसलिए हम बहुत छोटी सी वॉक लेते हुए घर वापस निकल रहे हैं। टेम्परेचर मतलब वैसे उतना नहीं है, बट कितना है टेम्परेचर देख के बताते हो। टेम्परेचर वैसे तो 8 है, टेम्परेचर वैसे तो 8 है, लेकिन हवा इतनी ठंडी है ना भाई। हाँ, ठंड एकदम ठंडी ठंडी हवा चल रही है। हाँ, बट फील्स लाइक 3 है ना, फिर फील्स लाइक 3 है, बट अच्छा लग रहा है मौसम। और देखो चंदा मामा कैसे निकले हैं, मौसम भी क्लियर सा ही है। हेलो चंदा मामा, अभी कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, हमारी शक्ल ही दिख जाए वही बहुत है। चंदा मामा तो दूर की बात है, ये कभी मैं पार्क में खेलूंगा। बेटा पार्क में नहीं, अभी पापा मना कर रहे हैं, रात हो रही है ना, टू लेट, पार्क में दिन में आएंगे, क्योंकि अभी सारी घास गीली होगी, सारे शूज गंदे हो जाएंगे। और ये पहन के भी वो शूज आए जो मैंने धोए हैं अभी, बिल्कुल चकाचक वाले, बेटा वो गंदे हो जाएंगे सारे, गीला हो गया था। इसीलिए छोटी सी वॉक लेके घर निकलते हैं, हमने बहुत ही छोटी सी वॉक ली। सो वॉक हम ऑलमोस्ट घूम लिए, जहाँ भी थोड़ा बहुत जाना था, ज़्यादा दूर नहीं गए क्योंकि ठंडी थोड़ी लग रही है और पहला दिन है, थोड़ा पता लगा पहले दिन में ठंडी लगवा ली। सही बात है, नाक वैसे ही जमने लगी है मेरी हल्की। आई होप मैं दिख रहा हूँ इसमें। बिल्कुल अंधेरा अंधेरा सा हो रहा है, तो जहाँ लाइट आएगी ना फिर हम इस ब्लॉग को एंड कर देंगे। यहाँ पे लाइट आ रही है, आने वाली है, आ गई है। आ गई है, थोड़ा सा और आगे करो। अब हम चलते हैं घर, ठंडी हो रही है, ठीक है, ओढ़ते हैं अपनी कैपे शैपे। अब मेरे साथ तो चोटी में पता क्या दिक्कत है, मैं कैप ओढ़ूंगा वो चोटी ऐसे हो जाएगी। बट कोई नहीं, कैप ओढ़ के जाते हैं घर और आपसे मिलते हैं कल, ठीक है। और ये रहा कबीर, कबीर भी बाय कर रहे हैं, बाय बाय। आई होप आपने आज का दिन हमारे साथ बहुत बहुत इन्जॉय किया होगा, और बस सपोर्ट करते रहिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और कमेंट करके बताइए वीडियोस कैसी लग रही है, लाइक भी ज़रूर करना यार, ठीक है। फिर मिलते हैं, बाय, गुड नाइट।